नमस्कार। आज मैं स्वदेश भारती 10वीं कक्षा में सूरदास के पद पढ़ा रही हूँ। इसके रचयिता सूरदास जी हैं और सूरदास जी का हम पहले परिचय दे देते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रेणुका क्षेत्र में हुआ था और कुछ विद्वान उनको दिल्ली के पास सिही नामक स्थान का भी मानते हैं। ये प्रसिद्ध है कि जब ये 6 वर्ष के थे तो 6 वर्ष की अल्पायु में ये विरक्त हो गए थे और इन्होंने मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर अपना निवास स्थान बना लिया था। विलक्षण गायक थे और इनकी गायकी दूर दूर तक फैली हुई थी। इसी गायकी की प्रसिद्धि को सुनकर प्रभु वल्लभाचार्य इनके पास आते हैं और अपना शिष्य बना लेते हैं और श्री रघुनाथ मंदिर पर कीर्तन भजन के लिए इनको नियुक्त कर देते हैं। कुछ लोग इनको जन्म से अंधा मानते हैं, कुछ विद्वान इनको जन्म से अंधा नहीं मानते। उनका मानना यह है कि ये जन्म से अंधे होते तो इतना सुंदर वर्णन इन्होंने वात्सल्य रस का किया है, जो अद्वितीय है, अनुपम है, इसके बारे में अन्य कवि भी ऐसा वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि इनका वात्सल्य रस में जितनी पकड़ थी कि ऐसा लगता है कि इन्होंने बाल्यकाल में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखा हो और इन्होंने लिख दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ विद्वानों का मानना यह है कि वो जन्माद से ही अंधे थे, इसलिए इन दोनों बातों में मतभेद है। रामचंद्र शुक्ल ये लिखते हैं कि इतना अच्छा वात्सल्य सम्राट सूरदास जी हैं, अन्य कोई कवि इनके बराबर नहीं हो सकता और ना ही ऐसा साहित्य लिख सकता। वात्सल्य के बारे में जितना भी बताया जाए उतना ही कम है। सूरदास की मृत्यु पारसोली नामक गांव में 1583 ईस्वी में हुई थी। थोड़ा सा इनका काव्यगत विशेषताएं बता देते हैं। अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार का इन्होंने अधिकाधिक प्रयोग किया है। रस में वात्सल्य और श्रृंगार रस का वर्णन किया है। भाषा विरज भाषा है और इनके पदों को गाया भी जा सकता है और शास्त्रीय संगीत में इनके पदों को गाया भी जाता है। भाषा विरज है और भाषा भी माधुर्य और सरस भाषा है। अब मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी का दूसरा जो पद है मैं पढ़ रही हूं। मन की मन ही माजरी कहिए जाए कौन पे उदो नहीं परत कही। अवधि आधार आ सावन की तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरहे दही। चाहती होती गुहारी जितई तय उत तय धार वही। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर जादा ना लही। यहाँ पर पहले
भावार्थ बताने से पूर्व मैं शब्दार्थ बता देती हूँ। माज का मतलब है अंदर और अवधि का समय, आस का आशा, आवन माने आने की, विथा माने व्यथा, संदेशनी माने संदेश और चाहती माने चाहना, गुहारी माने पुकार, जिती माने उधर से, मर्यादा माने मर्यादा, धीर माने धैर्य और धरी माने धैर्य। पहले इसके बताने से पूर्व मैं प्रसंग बता देती हूँ कि जब श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं और मथुरा जाते समय गोपियों को आश्वासन देके गए थे कि वे शीघ्र ही वापस आएंगे और इसी को ही गोपियां अपने जीवन का आधार मानकर बैठी हुई थी। उधर से श्री कृष्ण के मित्र उद्धव आते हैं, उनसे योग साधना ब्रह्म ज्ञान देने के लिए कहते हैं। तभी उनकी जो विरह की ज्वाला है भड़क उठती है और वह उद्धव को उल्हाना देने लगती है। वो अपने मन की बात को उद्धव से कहती है कि मन की बनी मांजरी, कि हमारे मन की जो व्यथा है, मन के विचार, मन के उद्गार तो हमारे हृदय में ही विद्यमान रह गए। हम तो अपनी मन की पीड़ा को किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर पाए और ना ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रेम की पीड़ा जो है, हमारा दुख तो इस प्रकार का है कि हम दूसरों के सामने बता भी नहीं सकते हैं, कह भी नहीं सकते हैं कि हम अपने मन के अंदर ही पीड़ा को दबा लिया है। अवधि आधार आसावन की तन मन व्यथा सही, हम तो श्री कृष्ण के आने की अवधि को अपने जीवन का आधार मानकर तन मन की व्यथा को सह रहे थे और उधर से तुमने हमें योग संदेश सुनाकर विरह की अग्नि की ज्वाला को भड़का दिया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, जैसे कि अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि भड़क उठती है, उसी प्रकार हमारी विरह ज्वाला को तुमने अधिक भड़का दिया है। चाहती होती गुहारी जिते ते उत्ते धार वही, हम तो ये चाह रहे थे श्री कृष्ण उधर से आएंगे, प्रेम मार्ग को पुष्ट करेंगे, हमारे दुख तकलीफ का उद्धार करेंगे और हमें हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विपरीत हुआ कि उन्होंने आने की बजाय योग साधना की धारा को प्रवाहित कर दिया। सुदास अवलाओं यानी कि गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो लोक मर्यादाएं त्याग दी हैं, आप ही बताओ कि हम क्या करें, कि उन्होंने तो हमसे प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है, हम धैर्य को कैसे धारण करें। बच्चों, इसमें जो अलंकार आए हैं हम बता देते हैं कहाँ पर किस किस पंक्ति में अलंकार का प्रयोग हुआ है। मन की मन ही मांजरी कि हमारे इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, अवधि आधारा सा आवन की और इस यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जोग संदेश नहीं सुनी सुनी यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है, लेकिन सुनी सुनी में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। धीरे धीरे ही में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और सिंगार रस का वियोग रस है। नमस्कार, धन्यवाद।